डूंगरपुर में नासा सेंटर डूंगरपुर के लोगों को 30 सालों से दीवाना बना रखा है। उनके समोसे व कचौरी का स्वाद लोगों की जुबा पर चढ़ा हुआ है। खासकर इनकी चटनी लोगों को खूब पसंद आती है। स्कूली बच्चे में इस नाश्ते का सेंटर का खूब क्रेज है। इस नाश्ता सेंटर का नाम है जय गुरुदेव। वर्ष 1993 में उदयपुर के इतलिया खेड़ा से लक्ष्मण आहारी डूंगरपुर आए और डूंगरपुर की सबसे पुरानी स्कूल मारवल के पास जय गुरुदेव के नाम से समोसा कचौरी और ब्रेड पकौड़ा बेचना शुरू किया। जब समोसे कचौरी और ब्रेड पकौड़ा तब वो प्रति नंग 40 पैसे के हिसाब से बिका करता था। धीरे धीरे इसकी डिमांड काफी बढ़ने लगी और आज आलम यह है कि रोजाना करीब 300 के पास समोसे कचौरी ब्रेड पकौड़ा बेच देते हैं। 40 पैसे से शुरुआत करने वाले लक्ष्मण आज 12 से 13 रुपए के समोसे कचौरी ब्रेड पकौड़े बेचते हैं। समोसा कचौरी और ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए उसे देने के लिए 4 आदमी काम पर लगा रखे हैं। गुरुदेव के नाश्ता सेंटर इतना मशहूर होने के पीछे वे वजह उनकी समोसे कचौरी में डलने वाली चटनी है। इसके लिए लक्ष्मण सिंह अलग तरीके से चटनी तैयार करते हैं। सबसे पहले खट्टी इमली के अंदर से उसे छील कर बीज अलग करते हैं। बाद में उसे में पानी डाल देते हैं। पानी में मिर्च मसाला मिला जाता है। इसके बाद उसमें ब्रेड पकौड़े को बारीक कर उसमें ब्रेड पकौड़े का चूरमा मिलाया जाता है। आखिर में जरूरत के अनुसार उसमें बेसन मिला दिया जाता है। यही कारण है कि इनकी चटनी सबसे अलग और सबसे स्वाददार है। ब्रेड पकौड़े हैं। ब्रेड पकौड़े, और आप कब से स्टार्ट कर रहे हो ये? हम ये तो पता नहीं, ये सब कुछ है, ऐसा ही कुछ है। अच्छा, और जब आपने स्टार्ट किया था तब कितने पैसों में किया था? 40 पैसे में। 40 पैसों में, और तब समोसा एक समोसा कितने में बेचते थे आप? 40 पैसे। 40 पैसों में। और यहाँ कितने लोगों की आवश्यकता रहती है? काम कितने करने वाले? 5 जने। 5 जने हैं टोटल। और दिन के कितने समोसे निकल, समोसे कचौरी ब्रेड पकौड़ा निकल जाते होंगे 200-300? नहीं, ब्रेड पकौड़े, ब्रेड पकौड़े भी यही मिला। दिन की कितनी कमाई हो जाती होगी अपने? दिन की यही समझना 10-11-12 10-11-12 हजार रुपए हो जाती है। आपकी दो दुकान है? नहीं, एक ही है। एक सामने ने की है? नहीं, ये मतलब बनाने का है। अच्छा, दुकान मतलब सेलिंग करना वहाँ है। अच्छा, यहाँ बनाते और बेचते हैं वहाँ पे? सेलिंग। चलो ठीक है। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी,